हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हेयर रीग्रोथ के लिए सॉल्यूशन आता है मिनोक्सिडिल, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और हमें कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। अगर आपका कोई सवाल है तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मिनोक्सिडिल का प्रयोग कर रहे हैं तो मिनोक्सिडिल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मिनोक्सिडिल लगाने के बाद हो सकता है आपको हेयर फॉल हो, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि अगर शुरू में हेयर फॉल होता है तो वो कमज़ोर बाल होते हैं, वो बाल होते हैं जो टीलोजन फेज़ में होते हैं, और जब वो झड़ते हैं इसका मतलब है कि बालों का जो रीग्रोथ हो वो टीलोजन फेज़ से एनाजन फेज़ में आ रहा है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि शुरू में मिनोक्सिडिल लगाने से हेयर फॉल होता है, तो ये 10-15 दिन तक आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि सब में नहीं होता है, कुछ लोगों में होता है, तो ये अच्छा साइन माना जाता है। हेयर फॉल आपको मिनोक्सिडिल लगाने के 10 से 15 दिन तक हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होगा, बहुत ही थोड़ा होगा, इससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर जब नया रीग्रोथ होगा बालों का तो मज़बूत बाल आएंगे और वो फिर झड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, शुरू में हेयर फॉल हो सकता है। मिनोक्सिडिल लगाने से कुछ लोगों को इचिंग हो सकती है। मिनोक्सिडिल के सॉल्यूशन में अल्कोहल होता है, अल्कोहल से कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। तो इचिंग अगर हो रही है तो आप थोड़े दिन के लिए मिनोक्सिडिल बंद कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इचिंग के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं जो आप साथ में भी ले सकते हैं। इसके अलावा मिनोक्सिडिल लगाने से स्कैल्प में वाइट फ्लेक्स या फिर प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाते हैं, उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप शैम्पू से यूज़ करेंगे तो वो वाइट फ्लेक्स निकल जाएंगे, क्योंकि जब मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं तो वो अपना एक लेयर छोड़ देता है स्कैल्प में, तो जब हम हेड वॉश करेंगे तो वो लेयर निकल जाएगा, फिर हम दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मिनोक्सिडिल के बहुत ही माइनर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई भी ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है जिससे आपको घबराने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर से कंटिन्यू कंसल्ट कर सकते हैं और मिनोक्सिडिल का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर मिनोक्सिडिल कुछ फीमेल्स लगाती हैं तो उनमें देखा गया है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि मिनोक्सिडिल की एक अंदर की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, तो फीमेल्स को दिक्कत हो सकती है, हाइपोटेंशन उनको हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो इसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को, लेकिन इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, बहुत ही हल्का फुल्का माइनर चेंजेस आ सकते हैं। और लास्ट में आते हैं दोस्तों, मिनोक्सिडिल लगाने के बाद अगर हम मिनोक्सिडिल को बंद कर देते हैं 3-4 महीने के बाद, तो क्या बालों का रीग्रोथ होता है या फिर बाल झड़ने लगते हैं। तो देखिए, अगर मिनोक्सिडिल को लगाया जाए कंटिन्यूसली तो फिर उसके सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि मिनोक्सिडिल का जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। मिनोक्सिडिल अगर आप लगाएंगे तो हेयर रीग्रोथ होगा, अगर आप बंद कर देंगे और डाइट अच्छी नहीं रखेंगे, बालों का केयर नहीं करेंगे, तो फिर वो हेयर जो है वो धीरे धीरे फॉल करने लगेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को हमेशा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रोटीन खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी रहती है, बिल्डअप अच्छा रहता है, इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। जिस दिन हम प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं, हम डाइट अच्छी लेना बंद कर देते हैं, हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, हम बीमार पड़ने लगते हैं। उसी तरह से बालों के साथ भी होता है, अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अगर मिनोक्सिडिल नहीं यूज़ करेंगे तो वो फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो सकता है। इसलिए अगर आप मिनोक्सिडिल को लगातार लगाते रहेंगे, भले ही आप कम टाइम लगाएं और कोई तेल ना लगाएं, सिर्फ मिनोक्सिडिल ही लगाएं, या फिर अगर आप महीने में भी 10-15 दिन 20 दिन अगर लगा रहे हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मिनोक्सिडिल बिल्कुल बंद करने से हेयर फॉल फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि जो मिनोक्सिडिल का इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। कोई भी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद वो बॉडी से निकल जाता है, तो वो अपना रिजल्ट लाइफ लॉन्ग शो नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए तो वो तो फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए शुरू में हम लोग यूजली मिनोक्सिडिल रिकमेंड करते हैं। जिनको मिनोक्सिडिल से फ़ायदा नहीं होता है उनको PRP सजेस्ट करते हैं, जिनको PRP और मिनोक्सिडिल से भी फ़ायदा नहीं होता है उनको हम हेयर ट्रांसप्लांट फाइनली करते हैं। दोस्तों, इन सब प्रोसीजर के बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में,
ये कैसे करते हैं, इनमें खर्चा कितना आता है, इनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं या सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।